बता दें कि आज हम सभी लोग फरीदाबाद में मौजूद हैं और आज बात हो रही है हेल्थ सेक्टर को लेकर के, आज बात हो रही है स्वास्थ्य को लेकर के, और जिस पर हर किसी का इंटरेस्ट सेक्टर ये जरूर होता है क्योंकि हेल्थ से जुड़ी हर चीज, हर अपडेट हर कोई जानना चाहता है। फिर चाहे यहाँ पर खासतौर पर देखिए, आजकल जो लड़कियां हैं वो मोस्टली ये चाहती हैं कि उनके हेयर को लेकर के, स्किन को लेकर के सारी चीजें उन्हें पता हो। इसके साथ ही अब लड़कों का भी अगर देखा जाए आजकल, तो उनका भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट इन चीजों में जगता है कि वो गुड लुकिंग कैसे दिखे। अब ये सारी चीजें, छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, हर एक फैक्टर, हर एक चीज जो है वो हेल्थ सेक्टर पर ही डिपेंड करता है। और इसी को लेकर के इंडिया न्यूज हरियाणा आज फरीदाबाद में आप सभी के लिए मौजूद है और आज हमारा ये वीक चल रहा है डॉक्टर्स वीक, जिसमें हम यहाँ पर तमाम डॉक्टरों को आमंत्रित भी कर रहे हैं, उनसे सवाल भी कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या बेहतरी हम हेल्थ सेक्टर में कर सकते हैं और क्या कुछ खास करना चाहिए। इसी को लेकर अगले सेशन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे अगले सेशन में हमारे साथ मंच पर होंगे डॉक्टर विनय गुप्ता जी, CMO फरीदाबाद। सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप स्टेज पर आए और जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। डॉक्टर संदीप मल्होत्रा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। सर, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप स्टेज पर आए, जोरदार तालियां डॉक्टर संदीप मल्होत्रा जी के लिए। डॉक्टर संदीप सिंघल भी, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी सर, आप भी प्लीज स्टेज पर आए। डॉक्टर संदीप सिंघल रोट्रियन, प्लीज सर आप स्टेज पर आए। और इस सेशन को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी अंशिका और उनके साथ होंगे हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जी। सर प्लीज स्टेज पर आए, आप सभी लोग इस सेशन को होस्ट करें और जाने की कोशिश करें। प्लीज सर आप लोग बैठिए। तो एक एक करके देखिए इस सेशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये भी सेशन बाकी सेशनों की तरह ही खुद में खास है क्योंकि इससे पहले हमारे साथ थी सीमा त्रिखा जी, जो कि बता रही थी कि स्वास्थ्य शिक्षा कितना जरूरी है एक समाज को बेहतर बनाने के लिए। अब अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं आगे। ओवर टू यू गुलशन जी। थैंक यू सीमा। चलिए अगले सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ जो तमाम गेस्ट स्टेज पर मौजूद हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यहाँ पर। और एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन एक और अब शुरू होने वाला है, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर विनय गुप्ता CMO फरीदाबाद मौजूद है, डॉक्टर संदीप मल्होत्रा मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद, और संदीप सिंघल रोटेरियन हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर विनय गुप्ता से मैं शुरुआत करना चाहूँगी, CMO फरीदाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विनय, आज हेल्थ सेक्टर में आप क्या देख रहे हैं, किस तरह के बदलाव आप देख रहे हैं पहले के मुकाबले, और किस तरह से हेल्थ सेक्टर में अब नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दीजिए। अब हेल्थ सेक्टर में पहले की तुलना में विस्तार हो रहा है, जिसके अंदर अभी हमारे भी BK अस्पताल में एक मैटरनल चाइल्ड यूनिट 200 बेड की अभी बनने वाली है। ICU भी हमारे अस्पताल में शुरू होने वाला है, उसकी सभी तरह की तैयारियाँ चल रही है। लेकिन बीमारियाँ भी ज़्यादा बढ़ी है सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम वॉक नहीं करते, उसकी वजह से हाइपरटेंशन डायबिटीज़ के मरीज़ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों में एक्टिव रहने की ज़रूरत है, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, और धीरे धीरे स्वास्थ्य सेवाएँ तेज़ी से अच्छी तरफ अग्रसर हो रही है, ज़्यादा सुविधाएँ मिल रही हैं लोगों को। एक मेडिकल कॉलेज अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज कि हमारे यहाँ पे सरकारी है, एक ESI मेडिकल कॉलेज है फरीदाबाद में, इसके अलावा 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अल्फला और अमृता भी फरीदाबाद के अंदर हैं। तो हेल्थ फैसिलिटी हमारे यहाँ अच्छी है और धीरे धीरे बढ़ रही है। जी, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है, काफ़ी आगे भी बढ़ रहे हैं, ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर संदीप मल्होत्रा मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष मेडिकल स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद, ये भी मौजूद हैं। चेस्ट स्पेशलिस्ट सर आप हैं, किस तरह से अगर चेस्ट की बात की जाए, क्योंकि लंग्स बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, थोड़ा सा भी डैमेज लंग्स में होता है तो सर्वाइव कर पाना कहा जाता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी इससे नहीं होती है। किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को बता पाते हैं, कैसे आप उनको समझा पाते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि लंग्स की जब भी बात आती है तो डॉक्टर लोग ये समझते हैं कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम सर्वाइव कैसे करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे पेशेंट्स को आप हैंडल करते हैं और कैसे उनको काम डाउन करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि किन प्रॉब्लम्स से वो जूझ रहे हैं। धन्यवाद, आपने पहले तो बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा है इस बारे में कि जैसा कि अभी मंत्री जी भी कह रही थी कि कोविड में हमने देखा कि हर सांस की कितनी इम्पोर्टेंस है, जिसे हम शायद फील नहीं कर पाते, लेकिन तब हम महसूस कर पाए कि हर सांस कितनी ज़रूरी है।
और जैसा कि आपने अभी बोला कि एप्रीहेंशन जो हमारे पेशेंट आते हैं, हर पेशेंट एक अलग परेशानी के साथ, सबका एक कॉमन फियर फैक्टर होता है कि उनकी कोई लाइफ को रिस्क तो नहीं है। जैसा कि हम देख पाते हैं कि सब पहले जैसे कॉमन परेशानियां हैं, खांसी, सांस से संबंधित दिक्कत या सांस फूलना, तो हर बीमारी सबसे पहले हम काम डाउन करके यही करते हैं कि आपको एक अगर हम अच्छी केयर देंगे तो शायद रिस्क फैक्टर को हटा के ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। लोगों को इस बारे में सबसे पहले जागरूक ये होना चाहिए कि एक अवेयरनेस जो पार्ट है, जो जागरूकता का है, कि उनको जो एलर्जी से रिलेटेड है या लंग्स की बीमारियों से रिलेटेड है, हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर से उनको अवगत कराते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको दे रही है, ना कि एक बड़ी बीमारी है। फिर अगर हमें ज़रूरत लगती है तो संबंधित जांच करा के, चाहे वो एक्सरे, सीटी स्कैन, जो भी ज़रूरत की जांच होती है तो वो करवाते हैं। इस लेकिन मुझे लगता है कि जैसे पेशेंट्स के लिए बीमारी से पहले उनको बीमारी के बारे में जागरूक करना और बचाव इलाज से शायद ज़्यादा ज़रूरी है, पर्टिकुलरली विशेषतः हम अगर लंग से संबंधित बीमारी के बारे में बात करें तो, क्योंकि हम ये देख पाते हैं कि 50-60% जो पेशेंट्स होते हैं वो कॉमन एलर्जी से रिलेटेड इशू, चाहे वो लंग्स में हो या हमारी रेस्पिरेटरी कैविटी या नेजल इश्यूज़ हो, उससे संबंधित होते हैं, तो वो इजीली सेटल भी हो जाते हैं। उनको अगर हम उनकी परेशानी से संबंधित जानकारी देते हैं तो वो काफ़ी अपनी लाइफ में चेंज फील करते हैं, और साथ ही साथ लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव, जीवन शैली में बदलाव भी ज़रूरी होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनकी बीमारी से संबंधित काफ़ी बदलाव ला पाती हैं। डॉक्टर संदीप सिंगल से मैं जान लेता हूँ, रोटेरियन है आप, और अक्सर हम देखते हैं कि रोटरी क्लब जो है समाज सेवा के तौर पर अच्छे कार्य करता है, और खासकर ब्लड को लेकर, अगर किसी को भी ब्लड चाहिए होता है तो वो रोटरी क्लब से संपर्क करता है। आप दर्शकों को ये भी बताइए कि ब्लड देना कितना ज़रूरी है, क्या समय समय पर ब्लड देते रहना चाहिए, इससे कोई बीमारी तो नहीं फैलती है, ब्लड देने के बाद बीमारी फैल सकती है, एक बार दर्शकों को हम जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी उपस्थित डॉक्टरों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं डॉक्टर दिवस की, और एक संबंध जो रोटरी और डॉक्टर्स का कॉमन है उसके लिए भी मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि 1 जुलाई को रोटरी का नया वर्ष आरंभ होता है और 1 जुलाई को हम लोग डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक संबंध रोटरी का हमेशा चिकित्सा क्षेत्र से रहा है, और जो बात आपने की ब्लड की, तो एक बड़ी अवेयरनेस हम लोगों की तरफ से हमेशा फैलाई जाती है इस बात को कि जो भी कोई स्वस्थ व्यक्ति है, जैसा अभी बाबूजी धर्मवीर गुप्ता जी ने कहा कि कम हीमोग्लोबिन लेवल रहता है तो ब्लड नहीं दे पाते हैं, तो एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकता है। अच्छाई की जहाँ तक बात है, विनय गुप्ता जी और डॉक्टर जो भी और यहाँ बैठे हैं वो भी सहमत होंगे इस बात से कि जब कभी भी हम 3 महीने में एक बार ब्लड देते हैं तो हमारे ब्लड का एक ऑटोमेटिक प्योरिफिकेशन सिस्टम काम करता है कि एक नया ब्लड विद इन 24 आवर्स या विद इन ए वीक पीरियड कंप्लीट दोबारा से बन जाता है। लेकिन स्वास्थ्य कारणों से हम रिकमेंड नहीं करते कि आप 3 महीने से पहले दोबारा ब्लड दें। रही इससे कोई बीमार होने वाली बात, तो दूर दूर तक कहीं कोई ऐसी अतिशयोक्ति, कोई 1% भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, और हम लोग जब कभी भी ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जो भी रक्तदाता ब्लड डोनर वहाँ पर आता है तो उसका एग्जामिन करते हैं प्रॉपर, उनसे पूछा जाता है, कुछ दवाइयाँ निषेध रहती हैं ब्लड देने से पहले कि वो तो आपने कंज्यूम नहीं की हैं, किसी प्रकार की शुगर या हाई बीपी की बीमारी आपको नहीं है, तो इन सब पैरामीटर्स को अगर हम ध्यान रख के ब्लड डोनेट कराते हैं तो किसी प्रकार का कोई हानि होने के चांसेस नहीं है। और एक विशेष बात मैं आपको और बता दूं कि रोटरी केवल एक ब्लड तक ही सीमित नहीं है, हालांकि जो लोग यहाँ बैठे हैं अच्छी तरह से परिचित होंगे, आज दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि जब हम पोलियो उन्मूलन की बात करते हैं, अगर वर्ल्ड से पोलियो को समाप्त किया है तो रोटरी ने बड़ी अग्रणी भूमिका उसमें निभाई है। और रोटरी कोई एक क्लब नहीं है अपने आप में, आप मानिए पूरे विश्व भर में 200 से ज़्यादा देशों में हमारी प्रेजेंस काउंट होती है, 12 लाख से ज़्यादा लोगों का हमारा रोटरी का बड़ा परिवार है, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा विश्व की सबसे बड़ी NGO का जो खिताब है वो रोटरी के नाम है, और हम 110 साल से भी ज़्यादा पुरानी 120 साल की लगभग संस्था है जिसका एक इतिहास है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के कार्य मानव सेवा के रोटरी द्वारा किए जा रहे होंगे जो 120 साल तक आज ही एग्जिस्ट करती है और 12 लाख से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं, और केवल मात्र NCR के अंदर ही 5000 से ज़्यादा परिवार है। रोटरी क्लब केवल ब्लड बैंक ब्लड को लेकर जाना जाता था, लेकिन अब आपने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं से जुड़े और भी आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और करते रहिए, क्योंकि समाज सेवा का सबका काम। मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, ब्लड
का कार्य भी कोई रोटरी के मूल उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था कभी भी। जब ये मानव सेवा के जो कार्य आरंभ हुए थे आज से 120 वर्ष पहले, तो समय के अनुसार जब जब जो सामाजिक रिक्वायरमेंट मानव सेवा के लिए हमें लगी, चाहे वो ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो हमने ब्लड बैंक स्थापित करने शुरू किए, पोलियो उन्मूलन के लिए एरेडिकेशन के लिए काम किया। अभी रिसेंटली मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक सर्विकल कैंसर एक बीमारी होती है महिलाओं में आमतौर पर पाई जा रही है और डे बाई डे इसके बहुत सारे केसेज बढ़ रहे हैं। तो रोटरी ने अभी हमारे माननीय डीजी महेश त्रिखाजी ने 1 जुलाई से कार्यभार संभाला है, तो उन्होंने लक्ष्य लिया है कि इस साल में मात्र एक साल के अंदर NCR में लगभग 1 लाख महिलाओं को हम लोग रोटरी की तरफ से वैक्सीनेशन करा के देंगे सर्विकल कैंसर का, जिससे उनको उस बीमारी से बचाया जा सके। तो एक बहुत बड़ी चिंताजनक जितनी भी स्थिति जब कभी भी समाज में आती है तो रोटरी अग्रणी भूमिका निभाता है। और बाबूजी धर्मवीर गुप्ता जी हमारे बड़े वरिष्ठ रोटेरियन साथी हैं और इसी प्रकार की तकरीबन 1500 परिवार अकेले फरीदाबाद में ही रोटरी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सर्विकल कैंसर ज्यादातर आजकल महिलाओं में देखा जा रहा है। डॉक्टर विनय गुप्ता जी से जान लेता हूँ, चीफ मेडिकल ऑफिसर फरीदाबाद हैं। सर आजकल जो हम देख रहे हैं कि डेंगू मलेरिया ज़्यादा इस समय बढ़ रहा है, अगर हम फरीदाबाद की बात करते हैं तो फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर के क्या कुछ प्रयास कर रहा है और लोगों को कैसे जागरूक कर रहा है? साथ में एक क्वेश्चन यहाँ पर ये ऐड करना चाहता हूँ कि क्या डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ही जिम्मेदार है या कोई और भी सरकारी बॉडीज हैं जो इसको लेकर के काम करती हैं? डेंगू और मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अलावा MCF का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो मच्छर होते हैं वो पानी में पनपते हैं, जो डेंगू के मच्छर है स्वस्थ पानी के अंदर पनपते हैं। तो किसी भी जगह पे पानी का भराव यदि रोका जाए और पानी इकट्ठा न होने दिया जाए तो इस तरह के मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे और ये बीमारियां कम से कम फैलेगी। इसके अलावा MCF फॉगिंग के अंदर भी स्वास्थ्य विभाग की हेल्प करती है और फॉगिंग का कार्य MCF की तरफ से किया जाता है। हमने फरीदाबाद को 4 जोन के अंदर बांटा हुआ है, NIT 1, NIT 2, बल्लभगढ़ एंड ओल्ड फरीदाबाद। हमारे 40 हेल्थ केयर वर्कर हैं जो जाते हैं 10-10 हर एरिया के अंदर और घर के अंदर चेक करते हैं, कोई कूलर के अंदर तो पानी नहीं भरा हुआ है, कोई टायर के अंदर, कोई मटके के अंदर खुला हो उसमें पानी भरा हो तो नहीं है, क्योंकि जो डेंगू है वो है स्वच्छ पानी से फैलता है। लोग भी कैसे बचे सर, लोगों को भी जागरूक कर दीजिए? तो लोगों को अपने एक दिन ड्राई डे बनाना चाहिए, कूलर वगैरह बिल्कुल साफ करके रखने चाहिए और जहाँ पे भी पानी थोड़ा इकट्ठा होता है उसके अंदर एक ऑयल की बूंद डाल दें, डीजल की डाल दें, जिससे कि जो लार्वा होते हैं मच्छर के वो सांस नहीं ले पाते और वो पनप नहीं पाते हैं, जिससे इसका फैलाव रोका जा सकता है और लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। इस समय सर कितने पेशेंट हैं आपके फरीदाबाद में डेंगू के? हमारे इस समय मलेरिया का कोई केस नहीं है और डेंगू के भी काफ़ी कम मात्रा में केसेस है। पिछले साल से हमारे केसेस कम हुए हैं और इस साल भी काफ़ी कम नंबर में हमारे डेंगू के केसेस है और हमारे सभी वर्कर जागरूक हैं। इस समय हम ब्रीडिंग चेकर भी लेते हैं, 30 ब्रीडिंग चेकर इन 4 महीनों के लिए, वो हमने अभी अपॉइंट कर लिए हैं, वो सब जगह घर घर जाके चेक करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। पैम्पलेट के थ्रू भी हम लोगों को और अखबार के थ्रू भी लोगों को जागरूक करते हैं और सभी इस तरह की हम अखबार के अंदर हमारी रोज़ाना न्यूज़ देते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, इन सभी चीज़ों का ख्याल रख के हम डेंगू को और मलेरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर विनय, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाती हैं, लोगों को जागरूक करना भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बरसात का मौसम है और यही मौसम होता है जब डेंगू और मलेरिया के काफ़ी ज़्यादा केसेस भी सामने आते हैं। हालांकि उम्मीद यही की जा सकती है कि प्रशासन की ओर से इसकी रोकथाम के लिए तमाम जो अभियान है वो चलाए जाएँ और कम से कम केसेज आएँ, जल्दी से जल्दी डेंगू मलेरिया से ग्रसित जो मरीज़ हैं वो ठीक हों और अपने घर की ओर वापस लौट जाएँ। खैर डॉक्टर संदीप, पैंडेमिक की बात सभी करते हैं, पैंडेमिक के दौरान क्योंकि लंग्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा मरीज ऐसे थे जिनके लंग्स को अफेक्ट हुए और उसके बाद उनकी जान को खतरा भी हुआ, लेकिन मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए, चूँकि पैंडेमिक अब काफ़ी हद तक कम हो गया है, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है, हालांकि ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए, बरसात का अब मौसम शुरू हो गया है, इस वक्त में कितना ज़्यादा हमारे लंग्स को ख़तरा रहता है, क्या क्या वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लंग्स की बीमारियां हो सकती हैं, कितनी ज़्यादा कैटेगरीज क्या इसमें भी होती हैं अलग अलग बीमारियां लंग्स को लेकर, और उसके क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, तमाम चीज़ें मैं चाहूँगी क्योंकि समय की थोड़ी कमी है तो मैंने सारी चीज़ें एक साथ आपसे पूछ ली है, तो थोड़ा आप डिस्क्राइब कर दीजिए।
देखिए क्या है कि जैसे आपने बोला कि अभी सीज़न चेंज हो रहा है, चाहे आप रेनी सीज़न देखें, ज़्यादा जैसे सर ने बताया, सीएमओ सर ने, कि जो हमारे वाटर बॉर्न डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू रेस्पिरेटरी इलनेसेस। रेस्पिरेटरी इलनेसेस के लिए ज़्यादा जो फेवरेबल ऑनसेट एग्जैक्ट चेंज ऑफ वेदर हम कह सकते हैं, फिर भी हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जैसे हमें अपने कॉमन जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे वेदर चेंज होने पे हमारे जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है, चाहे वो स्किन को हो, हमारे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो, राइनोसाइनोसाइटिस, मतलब सांस की नली में हमारे एलर्जिक रिस्पॉन्स हैं, इन चीज़ों के लिए हमें केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और कॉमन फैक्टर्स हम यूजुअली अपने ओपीडीज में और बाकी सब जगह लोगों को अवगत कराते हैं कि इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो आपके एनवायरनमेंट में हो, घर की क्लीनिंग से रिलेटेड हो। तो ऐसे पेशेंट बड़ा कॉमनली आते हैं जिनको हमें एजुकेशन करना होता है। दूसरा सेगमेंट आता है जो हमारे ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, जो जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, या फिर जिनका कोई पहले से इलाज चलता है, ऐसे पेशेंट ऐसे वेदर चेंज रेनी सीजन में इनको लंग्स से रिलेटेड इश्यूज होने का बहुत खतरा रहता है, क्योंकि इन्फेक्शन होता है, चाहे हम निमोनिया से संबंधित इन्फेक्शन कहें, हम ये कहें कि ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड ऑनसेट, और तो ये सारी चीज़ें ऐसे जो हमारे ओल्डर एज ग्रुप के हमारे जो कॉमन सोसाइटी में लोग हैं उनको हम अवगत कराते हैं कि आप अपना ब्लड प्रेशर शुगर को मेंटेन करिए और डायबिटीज़ कंट्रोल करके रखिए, अदरवाइज़ ये लंग्स के इन्फेक्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा फैलने का रहता है। थर्ड सेगमेंट में हमारे कॉमन प्रॉब्लम है जैसे कि इन्फ्लुएंजा, और इन्फ्लुएंजा मतलब कॉमन सांस की दिक्कत, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये इसके अलावा लंग कैंसर और टीबी से संबंधित हम अवेयरनेस कराते हैं। जी हमारे साथ हरियाणा कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका इंडिया न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। मेडिकली स्पीकिंग के तहत जो डॉक्टर्स वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है हेल्थ कॉन्क्लेव, तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए। मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। संदीप सिंगल जी, गुलशन जी, संदीप सिंगल जी, हम रोटेरियन के तौर पर आपसे सवाल जवाब कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि एक तरफ आप तो खुद आपका जो क्लब है वो समाज सेवा के तौर पर कार्य करता है, इसमें आपको सरकार से कितना सहयोग मिलता है? देखिए बिल्कुल कहते हैं ना कि आपने मेरे मन की बात छीन ली, आज माननीय सीएमओ महोदय हमारे साथ उपस्थित हैं इस मंच पर। तो एक बड़ी, शायद आप भी सहमत होंगे और आप तो प्रैक्टिकली फील्ड में जा कर के देखते हैं, अक्सर हमें बहुत ज़्यादा इस बात का दुख होता है कई बार कि जब हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बिल्कुल साइड में रख के निस्वार्थ भाव से जब समाज की सेवा के लिए कोई काम करते हैं तो उसमें कई सारे सरकारी नियम हैं जो अड़चन बन जाते हैं। तो उस समय हमें बड़ा खेद लगता है कि हम कैसे सामने वाले अधिकारी को ये बात समझाएं कि इसमें हमारा कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है। तो आप हमारे इस भाव को समझिए और जितने कम से कम नियम और कानून आप इसमें लगाएं, देखिए स्वास्थ्य की चिंता हम भी कर रहे हैं तभी तो हम आपके पास चल कर आए हैं, तो उसमें हमें उनका सहयोग जरूरी होता है। और मैं आपके बिल्कुल स्पष्ट रूप से गुप्ता जी के सामने भी कहना चाहता हूँ इस बात को कि जब ये हम रोटरी ब्लड बैंक की हमने स्थापना की थी तो एक कंडीशन हमारे ऊपर लगा दी जाती थी कि जब कभी भी आप ब्लड का कहीं कैंप लगाएंगे तो आप सर्टन परसेंटेज ऑफ यूनिट्स यू हैव टू प्रोवाइड टू सो एंड सो क्लब एंड ऑल। तो हमें कई बार लगता था कि यार ये कंडीशन किस लिए, आप हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है केवल और केवल ब्लड के जो टेस्टिंग चार्जेज होते हैं वो लेते हैं, रिप्लेसमेंट भी हम किसी से नहीं लेते, एक बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, क्योंकि सारे शहर के उद्योगपति और बड़े रोटेरियन साथी सबसे जुड़े हुए हैं तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं रहता है। लेकिन वो नियम थे, पर समय के हिसाब से जैसे जैसे गुप्ता जी जैसे और सीनियर अधिकारी आए, उन्होंने हमारी बात को समझा तो हमें काफ़ी इसमें रिलैक्सेशन मिला और हम बेहतर काम कर पा रहे हैं। और जैसी आपने अभी स्वास्थ्य की चर्चा की थी तो उसमें एक विशेष रूप से जो अगर ब्लड से रिलेटेड एक डिसीज़ हम बताएं तो थैलीसीमिया एक कॉमन एक बीमारी है जो केवल और केवल सिम्टोमेटिक ढंग से टेस्ट करने के बाद ही पता चल सकती है। कई बार ऐसा होता है कि दो किसी भी परिवार में कोई बच्चा होता है लेकिन वो काफ़ी समय तक अवेयरनेस ना होने की वजह से, जैसे अभी माननीय शिक्षा मंत्री यहाँ बैठी थी तो उनके सामने बात हो रही थी कि स्वास्थ्य की शिक्षा जो अगर हम दें किसी को तो पता चल जाता है, तो वो नहीं पता चल पाती तो उनको पता ही नहीं होता कि उनका बच्चा इस बीमारी से ग्रस्त है। उस क्षेत्र में भी रोटरी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फरीदाबाद, गुड़गांव, NCR में कई सौ सेंटर्स, मतलब कई सौ बच्चों के लिए हमने सुविधा उपलब्ध कराई हुई है कि फ्री उनको एवरी मंथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है वो रोटरी के माध्यम से कराया जाता है। साथ ही साथ हम अवेयरनेस भी देते हैं कि जब कभी भी कहीं ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज होता है और वहाँ कोई बहुत ही न्यूनतम स्तर पर हीमोग्लोबिन किसी बच्चे का होता है, अक्सर महिलाओं में ये चीज़ पाई जाती है,
तो हम उनको अवेयरनेस भी देते हैं कि आप अपना थैलेसीमिया का टेस्ट भी कराइए। नॉर्मल केसेस में 8 या 6 या 7 हीमोग्लोबिन होना एक प्राइमरी एक सिम्टम्स होता है कि वो पर्टिकुलर बंदा थैलेसीमिक माइनर हो सकता है। आपने ठीक कहा कि सरकारी जो संस्थाएं हैं उनका भी आपको सहयोग मिलना चाहिए। डॉक्टर विनय गुप्ता जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि सरकार अपनी तरफ से तो प्रयास करती है हेल्थ सेक्टर में अच्छे कार्य करने के लिए और आप भी समय समय पर काम करते रहते हैं, एनजीओ का कितना सहयोग रहता है और एनजीओ का सहयोग मिलना कितना जरूरी, आप भी अपनी बने। एनजीओ का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है, बिना एनजीओ के सहयोग के हम सारे कार्यक्रम को अच्छी तरह से नहीं चला सकते। और एनजीओ हमारे साथ सहयोग भी करती है, मीडिया भी हमारे साथ सहयोग करता है, कोई भी चीज़ को पूरे समाज में बताने के लिए मीडिया की ज़रूरत होती है। और एनजीओ समय समय पर, जैसे कोविड के समय में लोगों ने हमें सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट सब कुछ चीज़ें दी जिससे कि हम लोगों का इलाज कर सकें, और जो भी चीज़ हमने इनसे मांगी ज़रूरत के हिसाब से इन्होंने पूरी तरह से हमें प्रोवाइड करी और खुद आगे आके प्रोवाइड करी। ये हमेशा खुद बहुत जरूरी है, तालमेल बहुत जी। डॉक्टर विना, मेरा सवाल आपसे ही रहेगा क्योंकि प्रदेश में यही देखा गया है कि अभी तक डॉक्टर्स की थोड़ी कमी है जिसको पूरे किए जाने की सरकार भी पूरे पूरे प्रयास कर रही है। क्यों इस तरह की कमी डॉक्टर्स की देखी जा रही है, क्योंकि इससे मरीजों को भी देखिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और डॉक्टर्स जो है वो भी अपना पूरा सहयोग देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को देख सके और उनकी जो भी समस्याएं हैं उन प्रॉब्लम्स को हल कर सके, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा होता है कि डॉक्टर्स की कमी प्रदेश में है? क्या डॉक्टर्स जो हैं वो प्रदेश में या देश में काम करने के बजाय विदेशी रुख अपनाए बैठे हैं, विदेश का रुख कर रहे हैं, इस वजह से डॉक्टर्स की कमी है, या फिर क्या उसके कारण हैं जिसके वजह से प्रदेश को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, शुरू शुरू में मेडिकल कॉलेज की सीटें कम होती थी, लेकिन हरियाणा सरकार के प्रयासों से अब हर ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। जैसे हमारे फरीदाबाद में ही 5 मेडिकल कॉलेज हैं, ESI, अल्फला, अमृता, अटल बिहारी वाजपेयी और ये, इन कॉलेजों की वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट अब ज़्यादा पास होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे मेडिकल की ग्रेजुएशन करके आएंगे और समाज की सेवा कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड कर सकेंगे। जी डॉक्टर संदीप, लंग्स की अगर बात की जाए तो मैं चाहूँगी आप ज़रा एक बार ये बताएं कि लंग्स के लिए कितना परसेंट लंग्स काम करने चाहिए किसी भी व्यक्ति के सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि जब पैंडेमिक था तब लंग्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, जब डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी होती है तो देखा जाता है कि सीधे लंग्स में या तो कहा जाता है कि पानी भर गया है, लंग्स को इन्फेक्शन हो गया है, ऐसे में कितने परसेंट लंग्स काम करने चाहिए जिसकी वजह से एक व्यक्ति सर्वाइव कर पाए? देखिए, वैसे थोड़ा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है ये कि हर एक एज ग्रुप में इसकी एक्सपेक्टेशन अलग रहती है। जैसे ओल्ड एज पे हमारी, जैसे हम ये बोलते हैं मेडिकल पैरामीटर्स में, उम्र बढ़ती है तो लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। एवरी 10 ईयर्स पे हम लोग एक सर्टेन फॉल एक्सपेक्ट करते हैं लंग्स की क्षमता में, तो एज ग्रुप के हिसाब से लंग की कैपेसिटी की एक्सपेक्टेशन भी अलग होती हैं। नॉर्मल ब्रॉडली बोलें तो जो हमारी 70% से ज़्यादा रहनी चाहिए फेफड़े की क्षमता, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सर्वाइवल अच्छे तरीके से रहता है। और अगर लंग्स की कैपेसिटी हमारी यूजली 70% से कम है तो हम ये मानते हैं कि कोई लंग्स अफेक्टेड हो गए हैं। हम सब जो नॉर्मल हेल्दी वेलबींग्स हैं 80% से ज़्यादा लंग्स काम करते हैं। जो हमारे एथलीट्स हैं, जो मैराथन ट्रेनर्स वगैरह हैं, इनकी आप लंग कैपेसिटी 90% से लेकिन आज के टाइम में देखा जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा टबैको कंजम्पशन करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन, सिगरेट। अभी वाले सीन में काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, एक जैसे हम कह सकते हैं कि पॉल्यूशन ने चीज़ों को ऐड ऑन किया है। फरीदाबाद NCR वगैरह में कहते हैं कि अगर एक जो जनरल सेइंग है कि आप अगर स्मोकिंग नहीं भी कर रहे तो 20 सिगरेट 20 सिगरेट डेली कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें जो पॉल्यूशन है, जो आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, ये लंग्स को ऑलरेडी अर्ली स्टेज पे इफेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए जस्ट एक सजेशन या आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने सिम्टम्स या परेशानी को देख रहे हैं तो इसको नज़रअंदाज ना करें। आप अपने, जैसे आपने पूछा लंग्स के, ये सिर्फ पूछने वाली या डिस्कस करने वाली बात नहीं, हमारे पास इस चीज़ के लिए प्रॉपर टूल्स हैं। जैसे कंप्यूटर से हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम अभी होने वाली है या अर्ली डिटेक्शन से अगर कुछ है भी सही तो ये वापस रिकवर कर सकता है। बट इसके लिए अपने चिकित्सक से सलाह लेना और बात करना ज़रूरी है।
बिल्कुल, इंडिया न्यूज़ के इस मंच से सभी दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि अगर किसी भी बीमारी से उनको लगता है कि वो जूझ रहे हैं या फिर सिम्टम्स किसी भी बीमारी के उनको लगते हैं तो तुरंत से तुरंत अपने चिकित्सक के पास जाएं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि समय रहते आपको उस बीमारी के बारे में पता लग जाए और उस बीमारी का इलाज आप कर सकें। इस सेशन के ज़रिए हमने काफ़ी चीज़ें जानी। CMO विनय कुमार डॉक्टर साहब ने, विनय गुप्ता डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से नए आयाम स्वास्थ्य के क्षेत्र में गढ़े जा रहे हैं, किस तरह से आज सरकार की तरफ से काम किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, रोटरी का अपना क्या महत्व रहा है हेल्थ के सेक्टर में, और चेस्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, चेस्ट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो भी इस सेशन के जरिए हमने जानी है। तो इसी के साथ मैं समाप्ति की ओर बढ़ती हूँ इस सेशन के। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। बहुत शुक्रिया अंशिका, बहुत शुक्रिया गुलशन जी ये सेशन को होस्ट करने के लिए। डॉक्टर विनय गुप्ता हमारे साथ स्टेज पर मौजूद थे, हमारे साथ थे डॉक्टर संदीप मल्होत्रा जी और डॉक्टर संदीप सिंगल जी हमारे साथ थे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को बताने के लिए क्या सही है क्या गलत है और कैसे अपना खासा ख्याल रख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने इस सेशन में जानी।